महिला एवं बाल विकास सुरक्षा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मेहंदी और ड्राइंग कंपटीशन रखा गया जिसमें 100 बच्चों ने प्रतिभाग लिया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि महिला एवं बाल विकास सुरक्षा, अगर वो आत्मनिर्भर होंगे तभी सुरक्षित होंगे, क्योंकि महिलाओं की आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। अगर वो आत्मनिर्भर हैं तो उनका समाज में सम्मान भी है और उनकी एक पहचान भी है। तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। आज जो कार्यक्रम रखा गया उसमें कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया? इसमें कम से कम 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये फिरोजाबाद शहर में पहला प्रतियोगिता है। आगे हमारा उद्देश्य है कि विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न संस्थाओं में इस संस्था के द्वारा हम कैंप लगाएं, जिससे कि महिलाओं को जागरूक करें, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और बच्चों की प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभा का प्रदर्शन करें, उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य। आज महिला एवं बाल विकास संस्था वेबसाइटी के द्वारा पेंटिंग और मेहंदी कॉम्पिटिशन रखा गया जिसमें 100 बच्चों ने भाग लिया। अच्छा, तो ये संस्थान कहाँ की है और क्या काम करती है? ये हाथरस की है, इसकी हेड ब्रांच हाथरस है। ये महिलाओं के लिए जागरूकता के लिए एक वर्किंग करती है जिसमें महिलाओं को सिलाई पार्लर मेहंदी वगैरह ये सब सिखाती है। छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन रखती हैं जो कि बच्चों अपने जो हुनर है उसे निकाल के बाहर ला सकते हैं। और साथ ही जो लेडीज़ों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो अपनी सेल्फ डिपेंड अपने घर पर अपने काम कर सकते हैं इजीली।